डाउन पेमेंट के हवाले से बात की जाए तो 7-8-10 लाख मेरे हिसाब से। नहीं नहीं हसन भाई, ये तो आपने समझे शॉप की पूरी कीमत बता दी है। क्या मतलब इसका? सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए से बुकिंग है। अच्छा माशाल्लाह। और टोटल जो है वो हमारे पास तकरीबन 8.5 से 9 लाख की दुकान है। अच्छा, और वो भी बहरिया टाउन में। बहरिया का जब नाम आता है ना तो लाखों से कम किसी के भी दिमाग में नहीं आएगा। मैं अपनी भी बात करूं, इन्वेस्ट करने का बंदा सोचे तो कोई सोच नहीं सकता कि हजारों में आके भी अब आप बहरिया में अपनी दुकान के मालिक बन जाएंगे। वो जो डील्स एक अनाउंस की थी बहरिया यूनाइटेड मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं? जी जी, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ हसन भाई। असल में दिन काफी कम रह गए, 25 तारीख जो है वो आखिरी है। क्यूरीज काफी ज्यादा है माशाल्लाह, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और काफी क्लाइंट जो है वो बुकिंग करवाना चाह रहे हैं। तो कुछ है जो नहीं अब हमें अप्रोच कर सकते हैं तो वो ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। हसन भाई माशाल्लाह बस क्लाइंट्स की रेल बेल है और क्यूरीज काफी ज्यादा आई हुई है और 10,000 ही रहेगा, कोई 20-15 आगे जाके मतलब नहीं होगा। एक साल के बाद कुछ जी 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 डील आगे जाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि माशाल्लाह से इन्वेंट्री ही बहुत जल्दी जा रही है ना। तकरीबन रोज की 20-25-30 शॉप्स हम निकाल रहे हैं। जबरदस्त, लास्ट एंड फाइनल डेट है, इससे आगे एक दिन की भी गुंजाइश नहीं है, उससे पहले रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन रजा स्वानी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त बहरिया टाउन में मौजूद हूँ। बहरिया टाउन में आने का एक बहुत ख़ास मकसद है। यहाँ पर बहरिया यूनाइटेड मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के हवाले से एक डील बहुत शानदार अनाउंस की गई थी, तो मैं आज यहाँ पर ख़ास तौर पर इसलिए आया हूँ कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लूँ इस डील के हवाले से मज़ीद, और यहाँ के जो डील्ज़ाबाद के एम्प्लाइज़ हैं उनसे मुलाकात करूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारी एक डील्ज़ाबाद की मेंबर हैं समिया, वो बहुत बेचैनी के आलम में यहाँ पर कुछ फ़ोन अटेंड कर रही हैं, कुछ इस्तराब की कैफियत में टहल रही हैं। पूछते हैं इनसे इसकी क्या आवाज़ है, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम समिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम हसन भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का करम है। समिया कुछ इस्तराब की कैफियत में आप टहल रही हैं, यहाँ पे खैरियत है सब? जी हसन भाई माशाल्लाह बस क्लाइंट्स की रेल बेल है और क्यूरीज काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं और आपको वो पता ही होगा न्यू डील के बारे में तो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो जो डील्स एक अनाउंस की थी बहरिया यूनाइटेड मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं? जी जी, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ हसन भाई। असल में दिन काफ़ी कम रह गए, 25 तारीख जो है वो आखिरी है बुकिंग के हवाले से। तो अब क्यूरीज काफ़ी आ रहा है माशाल्लाह, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और काफ़ी क्लाइंट्स जो हैं वो बुकिंग करवाना चाह रहे हैं। तो कुछ हैं जो नहीं अब हमें अप्रोच कर सकते तो वो ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ पाकिस्तान के दूसरे शहरों से जैसे कि पंजाब वगैरह से कोई है तो उनको वही गाइड करने में ही मैं इस टाइम मसरूफ़ हूँ। अच्छा, कि आप ऑनलाइन बुकिंग करवा लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप आएँ ऑफिस में और फिर ही आप बुकिंग करवाएँ, क्योंकि आपको पता है माशाल्लाह कराची की जो आबादी है एक जगह से दूसरी जगह आने में ही 1 घंटा लग जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितने क्लाइंट हैं जो कराची में होते हुए भी हमें ऑफिस आके नहीं डील करना चाह रहे, तो वो भी ऑनलाइन ही बुकिंग करवा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा समिया, एक बात बताएं, ये डील जो है वो 25 को लास्ट इसकी डेट है, इससे आगे जाने की कोई पॉसिबिलिटी है? हसन भाई डील आगे जाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि माशाल्लाह से इन्वेंट्री ही बहुत जल्दी जा रही है ना। तकरीबन रोज की 20-25-30 शॉप्स हम निकाल रहे हैं। जबरदस्त। तो मुझे लगता नहीं है कि 25 के बाद हमारे पास कोई शॉप ही अवेलेबल बचेगी, नहीं तो डील आगे क्या जाएगी, है ना? समय थोड़ा सा और बता दें इस डील के हवाले से कि ये डील एक्चुअल जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है जी जी जी, तो डील को थोड़ा सा आपको वो बता। हसन भाई आपको ये तो पता है कि 0% डाउन पेमेंट है, लेकिन आप अंदाजा लगाएं क्योंकि बहरिया टाउन के कम से कम कितनी स्टार्ट होगी अगर आपसे मैं पूछूं? भाई अगर मुझसे पूछें तो अगर डाउन पेमेंट के हवाले से बात की जाए तो 7-8-10 लाख मेरे हिसाब से। नहीं नहीं हसन भाई, ये तो आपने समझे शॉप की पूरी कीमत बता दी है। क्या मतलब इसका? सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए से बुकिंग है। अच्छा माशाल्लाह। और टोटल जो है वो हमारे पास तकरीबन 8.5 से 9 लाख की दुकान है। अच्छा, और अच्छा, वो भी बहरिया टाउन में। व्यूअर्स ये वो बात कर दी जिसका आप सोच नहीं सकते हैं, यानी कि एक बहुत पसमानदा इलाके में तो ये तस्वीर किया जा सकता है, लेकिन बहरिया जैसे कवर्ड एरिया के अंदर नामुमकिन है। बहरिया में ये आप इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल मार्केट जो है बहरिया की, बहरिया यूनाइटेड मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है उसकी बात कर रहे हैं? जी जी, मैं हसन भाई बिल्कुल बहरिया यूनाइटेड मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात कर रही हूँ और उसके 4th फ्लोर पे हम ये डील लेके आए हैं। 10,000 रुपए से बुकिंग और 10,000 ही रहेगा, कोई 20-15 आगे जाके मतलब नहीं होगा। एक साल के बाद कुछ जी जी जी
नहीं नहीं, ये नहीं, नहीं है कि पहले साल 10-15, एक आपका जो चल रही है कंटिन्यूटी वो उसी तरह से चलेगी। 10,000 कितने साल का शेड्यूल है? अच्छा हसन भाई, ये 5 साल का जो है, 5 साल तक 10-10 हज़ार ही देते हैं, और जो अगर यकीनन आखिर में कुछ पैसे बचेंगे। जी जी, जो आखिर में थोड़े बहुत पैसे बचेंगे वो आपको जब हम चाबी आपको हैंड ओवर करेंगे तब आप हमें वो अमाउंट दे दें। अच्छा व्यूअर्स, स्क्रीन पर इंशाल्लाह ताला समिया का भी नंबर चल रहा होगा, जब उस पर आप समिया के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। ये आपको इंशाल्लाह ताला 110% उस पर रिप्लाई करेंगी, और अगर आप विज़िट करना चाहेंगे तो वो भी अरेंज हो जाएगा। विज़िट का भी कोई इशू नहीं है, इसलिए कि बहरिया में हमारा ऑफिस मौजूद है, दिलजाबाद का ऑफिस मौजूद है, जहाँ पर हमारे मुस्तनद नुमाइंदे हैं दिलजाबाद के, वो बैठे हैं। समिया की परेशानी का आखिरकार मुझे पता चल गया कि समिया क्यों परेशान है। ये एक बहुत अहम बात है कि दिलजाबाद ने हमेशा मेरे ख्याल में इस बात का ख्याल रखा है, जो ख़रीदने वाले हैं, जो रबते में हैं, हमारे रबते में हैं, उनके लिए सोचते हैं। अब समिया की परेशानी ये है कि वो लोग जो रह गए हैं या रह जाएंगे 25 तक अगर ना आ सके, तो इसलिए समिया आप इसीलिए इतनी परेशानी में टहल रहे हैं। काफ़ी लोग हैं, देखिए बहरिया का जब नाम आता है ना तो लाखों से कम किसी के भी दिमाग में नहीं आएगा। मैं अपनी भी बात करूँ, इन्वेस्ट करने का बंदा सोचे तो कोई सोच नहीं सकता कि हज़ारों में आके भी अब आप बहरिया में अपनी दुकान के मालिक बन जाएंगे। अनबिलीवेबल है। तो इसीलिए जितना जो हमारा मतलब एक नॉर्मल सैलरी पर्सन है, आप और हम अपनी बात कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से एक समझ लें आप, एक कमेटी है। कमेटी है हर महीना आपने 10,000 रुपए आपने कहीं साइड पे रखने हैं ना, किसी बंदे को देना आजकल भरोसे का जमाना नहीं है। आप एक ट्रस्टेबल बिल्डर के पास दे रहे हैं, आप दिलजाबाद के पास वो रखवा रहे हैं, तो एक तरह से आप अपनी कमेटी जमा कर रहे हैं। आपकी वो कमेटी जब खुलेगी तो दुकान की शक्ल में आपके पास, और आप ये देखें उस टाइम 5 साल बाद कितना प्रॉफिट हो जाएगा। ये अमाउंट तो नहीं रहेगी ना जो आज आपने बुक की है, 5 साल में इसके पैसे कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। जबरदस्त समिया, आपका बहुत ज्यादा कीमती वक्त लिया। मैं असल में दूसरे काम से आया हुआ था, लेकिन आपको देखा तो मैंने कहा आपसे मालूम कर लूं। तो व्यूअर्स कोशिश करें, ये लास्ट समिया ने आपको बता दिए डेट 25 लास्ट एंड फाइनल डेट है, इससे आगे एक दिन की भी गुंजाइश नहीं है, उससे पहले रब्ता करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, दिलजाबाद के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दिलजाबाद करें आपके ख्वाबों को।